आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। शुरू करेंगे रफ्तार एट वन। रूस यूक्रेन युद्ध का 18वां दिन आज यूक्रेन के कई शहरों में रूस की जोरदार बमबारी, शहर शहर में महातबाही के निशान। यूक्रेन की राजधानी में जोरदार धमाका, बीच सड़क पर रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागे, धमाके के बाद थमी गाड़ियों की रफ्तार। कीव में हवाई हमला और गोलीबारी जारी, लोगों को शेल्टर में जाने की सलाह, अलर्ट करने के लिए बज रहे सायरन। यूक्रेन पर रूस की तीन तरफ से घेराबंदी, कीव पर कब्जे के लिए रूस के हमले तेज, कीव की तरफ से तेजी से बढ़ रही रूसी सेना। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की बेहद खतरनाक तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन ने कीव की तरफ बढ़ रही रूसी टैंकों के काफिले को बनाया निशाना, एक एक कर कई टैंक किए तबाह। कीव में रूस के सैनिकों ने एक बच्चे समेत सात लोगों को मारी गोली, यूक्रेन ने रूस पर लगाया सनसनीखेज इल्जाम। रूसी हमले में कीव में यूक्रेन का एयरफील्ड पूरी तरह तबाह, रूस की आठ मिसाइलों ने एक साथ बोला धावा, एयरफील्ड में मौजूद तेल डिपो भी पूरी तरह बर्बाद। रूस के हमले में यूक्रेन के कीव में भारी तबाही, रूसी सेना ने कीव के एक टावर को तबाह किया। कीव पर रूसी फौज ने और तेज किए हमले, यूक्रेनी एपीयू इन्फेंट्री को किया तबाह, रूसी आर्टिलरी से यूक्रेन को भारी नुकसान। कीव पर कब्जे की लड़ाई हुई तेज, नए मोर्चेबंदी कर रूस ने बढ़ाए हमले, बाहरी इलाकों पर कब्जा, ज़ेलेंस्की बोले ये आतंकी हरकत। कीव के देही इलाकों में रूसी हमलों से भारी तबाही, मलबे में तब्दील हुए कई घर, तस्वीरें आई सामने। कीव के करीब रूस के हमले जारी, यूक्रेनी फौज की जवाबी कार्रवाई, रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराया। मारियोपोल में रूसी सैनिकों ने रिहायशी इलाकों में किए हमले, इमारतों पर जानबूझकर बरसाए ताबड़तोड़ गोलियां, तबाही की दर्दनाक तस्वीरें आई सामने। रूस यूक्रेन के बीच 18वें दिन भी जंग जारी, मारियोपोल के बाहरी हिस्से पर रूस का कब्जा। यूक्रेन के शहर शहर में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, यूक्रेन पर मिसाइल बरसा रहे रूस के AK-52 हेलीकॉप्टर, यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हुई खत्म। रूस को करारा जवाब दे रहा है यूक्रेन, यूक्रेन के हमले में रूसी आर्मी का टैंक तबाह, यूक्रेनी फौज ने दो BMP टैंक को तबाह किया। रूसी बमबारी में दहला यूक्रेन का खार्किव, रूसी आर्मी के हमले में खार्किव की मार्केट तबाह। रूस और यूक्रेन की जंग में लगातार बढ़ रही है हताहतों की तादाद, सामने आए दिल दहला देने वाली तस्वीरें जगह जगह पड़े दिख रही हैं जवानों के जस्ते खाकी। जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, रूसी हमलों में अब तक 79 यूक्रेनी बच्चों की मौत, 100 से ज्यादा बच्चे हुए घायल। निप्रो में रूसी मिसाइलों को यूक्रेन ने किया तबाह, एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी मिसाइल मार गिराए, हवा में ही रूस के दो मिसाइलों को किया तबाह। यूक्रेन के वासिलकोव में सैन्य हवाई अड्डों को रूस ने किया तबाह, मिसाइल अटैक के बाद एयरफील्ड से उठता धुएं का गुबार। यूक्रेन का एक और एयरफील्ड तबाह, रूस ने लुत्सक एयरफील्ड पर किया हमला, हमले की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन में रूसी फौज को मिल रही कड़ी टक्कर, ब्रोवेरी में यूक्रेन सेना ने उड़ाए रूसी टैंक, तबाही की तस्वीरें आई सामने।
यूक्रेन के वैसिल कीप में ऑयल प्लांट पर रूसी सैनिकों का हमला, ऑयल प्लांट में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन के वैसिल कीप में रूसी हमले में धू धू कर जला ऑयल डिपो, शदीद आग पर काबू पाने में जुटे इमरजेंसी सर्विस के जवाब। यूक्रेनी फौज पर रूस का ड्रोन अटैक, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, 13,000 फीट की ऊंचाई से हमला। यूक्रेन का TB2 ड्रोन रशियन आर्मी के लिए बना कार, ड्रोन अटैक में रूस के सैन्य सामान से भरा ट्रक हुआ तबाह। यूक्रेन के TB2 ड्रोन अटैक में रशियन टैंक हुआ ध्वस्त, ड्रोन अटैक के बाद MLRS सैन्य टैंक में हुआ धमाका। यूक्रेन के हॉस्टोमेल में रूसी सेना का पूरी तरह से नियंत्रण, शहर में बड़ी तादाद में पहुंची रूसी फौज कर रही है कब्जा। रूस के निशाने पर आम यूक्रेनियों के मकान, लोगों के घरों में हथियार छुपा रही है यूक्रेनी फौज, घरों को निशाना बनाने में जुटी रूसी फोर्स। यूक्रेन के माइकोल लाइव में जंग से भारी तबाही, रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी, रूसी सैनिक सड़कों पर कर रहे मार्च। यूक्रेन के माइकोल लाइव में आवासीय परिसर में गिरी रूसी मिसाइलें, चारों तरफ तबाही का मंजर। माइकोल लाइव में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में दाग रही है मोर्टार, लोगों में दहशत का माहौल। यूक्रेन आर्मी की 30वीं ब्रिगेड ने रूसी AFV को उड़ाया, यूक्रेन की ड्रोन अटैक में रूसी AFV तबाह हुआ। यूक्रेन में खाद्यान्न संकट पैदा करने की तैयारी में रूस, ब्रोवरी के पास अनाज गोदाम पर रूस का हमला, मिसाइल अटैक के बाद धू धू कर जला अनाज का गोदाम। यूक्रेन में हथियार डिपो को तहस नहस करने में जुटा रूस, एक एक कर यूक्रेन के सभी हथियार डिपो पर हमला कर रहे रूसी सैनिक। चर्निहिव में रूसी हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ स्टेडियम, हवाई हमले के बाद खंडन हुआ स्टेडियम, चारों तरफ फैला है मलबा ही मलबा। यूक्रेन के वोल्नोवाखा में भारी तबाही, जंग में पूरी तरह तबाह हुआ वोल्नोवाखा, हर तरफ दिख रही तबाही की तस्वीर। यूक्रेनी फौज और रूसी हिमायतियों के बीच जंग, पूर्वी यूक्रेन का इलाका है वोल्नोवाखा, दोनों तरफ से भारी गोलीबारी। रूस युद्ध में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान, यूक्रेन के कई सैनिक रणभूमि में हुए शहीद। रूस के हमले में यूक्रेन में आम लोगों के घर हो रहे तबाह, खार्किव में हवाई हमले में एक अपार्टमेंट में लगी आग। यूक्रेन में रूसी सैनिकों का जमकर हो रहा विरोध, एक यूक्रेनी दंपति ने 3 रूसी सैनिकों को अपने घर से भगाया। रूसी हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन में मचा रहे तबाही, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया नया वीडियो। यूक्रेन में रात के अंधेरे में रूसी वायुसेना का एयर स्ट्राइक, आसपास से हो रही बम वर्षा में मची तबाही और कई इमारतों को भारी नुकसान। यूक्रेन के TB2 ड्रोन में रूसी सैन्य ट्रकों पर हमला, यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूस के 2 ट्रक तबाह। यूक्रेन के चर्निहिव में रूसी सैनिकों की रेड, घरों में सैनिकों ने तलाशी ली, रूस के रक्षा विभाग ने जारी किया वीडियो। रूस का बड़ा दावा, युद्ध में यूक्रेन को पहुंचाया भारी नुकसान, 3,491 सैनिकों को मार गिराया। मगरबी यूक्रेन में रूस ने तेज किए हवाई हमले, एवारो शहर में एक के बाद एक दागे 3 मिसाइलें। यूक्रेनी फौज ने रूसी फौज पर किया जवाबी हमला, रूसी सैन्य टैंक को किया आग के हवाले। रूस से जंग के लिए बड़ी तादाद में नौजवानों ने ज्वाइन की यूक्रेनी सेना, नए यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने।
कीव के पास मकरो शहर में रूसी आर्मी ने मचाई तबाही। बच्चों के पार्क से लेकर रिहायशी इलाकों तक को बनाया गया निशाना। हर तरह तबाही का मंजर। रूसी यूक्रेन की जंग में कूदे इस्लामिक लड़ाके। 16,000 लड़ाके यूक्रेन में उतारेगा रूस। आईएसआईएस के साबिक लड़ाकों की मदद लेकर रूस। रूस के फैसले से यूक्रेन में मची खलबली। तीसरे आलमी जंग की तरफ बढ़ता रूस यूक्रेन जंग। रूस की सीमाओं से कुछ दूर नॉर्वे के पास कल से नाटो सेना करेगी युद्धाभ्यास। जंगी मशक में 27 देशों के करीब 30,000 सैनिक लेंगे हिस्सा। 200 विमान और 50 जहाज अभ्यास में लेंगे हिस्सा। रूस के साथ बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की हुए तैयार। इसराइल के पीएमसी यरूशलम में शांति वार्ता आयोजित करवाने की अपील। यूक्रेन के सदर ने इसराइल के पीएमसी की मीडिएटर की अपील। ज़ेलेंस्की बोले सीज फायर पर ही चर्चा मुमकिन। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मानी यूक्रेन की सेना को हुए नुकसान की बात। कहा अब तक उनके 1300 जवानों की जा चुकी है जान। ज़ेलेंस्की का नया वीडियो आया सामने। कहा यह आजादी की जंग, देश की रक्षा के लिए अपना 100% झोंके लो। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को दिया जोर का झटका। यूक्रेन ने अब तक 5.1 अरब डॉलर के रूसी उपकरणों को नष्ट किया। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का किया दावा। कहा जवाबी हमले में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारा गया। यूक्रेन ने रूस के 362 टैंक, 58 लड़ाकू विमान ध्वस्त किए। 83 रूसी हेलीकॉप्टर को बर्बाद करने का भी दावा। यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की बोले रूस के 500 से 600 सैनिकों ने यूक्रेन के सामने सरेंडर किया। रूस यूक्रेन से जंग जीतने में कामयाब रहा तो लिथुआनिया पुतिन का अगला हदफ बन जाएगा। यूक्रेन ने आने वाले खतरे का जताया अंदेशा। मारियोपोल के मेयर ने किया बड़ा दावा। 12 दिनों में गोलीबारी के दौरान मारे गए 1582 सिविलियंस। मगरबी ममालिक के बैन से भड़का रूस। कहा हमारी भी लिस्ट तैयार, जल्द करेंगे प्रतिबंधों की घोषणा। जमीन और आसमान की लड़ाई अब आसमान तक पहुंची। अमेरिका के प्रतिबंध से भड़का रूस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धरती पर गिराने की धमकी। फ्रांस के सदर मैक्रॉन ने रूस के सदर पुतिन से की बात। दोनों ममालिक के बीच यूक्रेन जंग को रोकने पर हुई चर्चा। यूक्रेन रूस जंग में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर यूएन का बड़ा बयान। कहा रूस की तरफ से क्लस्टर बमों के दागे जाने के मिले हैं पुख्ता सबूत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का रूस पर बड़ा इल्जाम। कहा रूस को नाटो के टूटने का भरोसा था। बाइडेन ने पुतिन को घेरा। कहा मगरबी देशों के बटने के इंतजार में थे पुतिन, लेकिन पुतिन को इनमें से कुछ नहीं मिला। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद एक्शन में अमेरिका। अमेरिका ने रूस की सीमा से लगे लातविया एस्टोनिया लिथुआनिया और रोमानिया में 12,000 जवान भेजे। अमेरिका यूक्रेन को दे सकता है ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने छापी खबर। रूसी हवाई हमले से बचने के लिए यूक्रेन मांग रहा है मदद। जंग में रूस को भी हुआ भारी नुकसान। रूस को अब तक 30 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान। रूस की जीडीपी में भी 9% की गिरावट की आशंका। रूसी यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर रूसी अरबपतियों पर भी पड़ रहा है। इटली ने रशियन ओलिगार्क की 143 मीटर लंबी लग्जरी नाव जब्त की।